श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा गरीब तथा जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने की मुहिम जारी है। आज इंद्री की पुलिस तथा नागरिक प्रशासन ने आराधना मंदिर समिति के इस सेवा कार्य को ऐतिहासिक और सभी धार्मिक समाज सेवी संस्थाओं के लिए प्रेरणास्पद बताया है। इस प्रकल्प से प्रेरक उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज का हार्दिक आभार भी प्रकट किया है। आपको बता दें कि आज लंगर में पेठा पूरी तथा छोले चावल बांटे गए। उत्तर भारत गौरव पीयूष मुनि महाराज ने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर से लगभग 4200 लोगों के लिए भोजन वितरण हेतु स्वयं सेवकों के समूह को विदा करते हुए अपने संदेश में कहा कि विवेकवान व्यक्ति के लिए यही उचित है कि यदि उसके पास धन संपत्ति लक्ष्मी देवी की कृपा से पुण्य प्रताप से बढ़ जाए तो वह बिना देरी किए दूसरों का सहयोग करना प्रारंभ कर दे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार नौका में पानी भर जाने पर उसे दोनों हाथों से बाहर उलींच दिया जाता है, अन्यथा नौका के डूब जाने का खतरा हो जाता है। मानव जीवन पाकर आत्मिक गुणों का विकास करना चाहिए और परोपकार ही उसकी प्राथमिक भूमिका है। यदि मानवीय स्वभाव में उदारता और दूसरों के दुख को अपना दुख समझने की अनुभूति नहीं है तो वह जीवन निरर्थक है। सहयोग की भावना का फल असीम है। जिस प्रकार सूर्य विश्व के अंधकार का नाश कर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार सहयोग प्राणियों को दुख के निबिड़ अंधेरे से बाहर निकालकर सुख शांति एवं सौहार्द का प्रकाश फैलाता है। इस अवसर पर इंद्री तहसीलदार दर्पण काम्बोज, डीएसपी रणधीर सिंह, राष्ट्रीय सेविका समिति की संभाग प्रमुख सीमा गुप्ता, सतपाल बंसल, प्रशांत गोयल, पार्षद नवीन कुमार, आकाश भट्ट उपस्थित रहे। संत न होते इस जग में तो जल मरता संसार। परम श्रद्धेय हमारे पीयूष जी महाराज जिन्होंने आज इस प्रांगण में सभी अतिथिगणों को इकट्ठा करा है और ये सेवा कार्य कर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी, और ये जो लंगर की व्यवस्था इन्होंने प्रतिदिन 4000 लोगों को लंगर की व्यवस्था विभिन्न गांवों से जुड़े हुए हैं बस्तियों में ये निशुल्क कार्य कर रहे हैं, इनको देख के सभी समाज के सभी वर्ग इनसे जुड़ गए हैं और हमें कहीं ना कहीं संतों से इन ऋषि मुनियों से प्रेरणा मिलती है, आत्मबल मिलता है कि हमने कैसे समाज के अंदर सेवा कार्य को करना है। आज ये कोरोना महामारी, मैं तो इसको महामारी ना कहकर कोरोना देवी कहूंगी, जिन्होंने हमें जीने की कला सिखाई है, अपनों से जोड़ा है, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को एक बार पुनर्जीवित कर दिया है। आज वो समय आ गया है कि हम अपने इस भारत देश का पुनर्निर्माण करें, क्योंकि निर्माण शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, हम निर्माण करने वाले कौन होते हैं, पुनर्निर्माण। निर्माण कैसे होगा, वो हमारी जो संस्कार और संस्कृति हम भूल चुके थे वो आज पुनः वापस लौटी है, और महाराज जी के आशीर्वाद से इस तरह से सभी ऋषि संत विभिन्न संस्थाएं, चाहे राष्ट्र सेविका समिति हो, चाहे संगठन हो, सेवा भारती, अपने माध्यम से सब लगे हुए हैं। और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने पूरे हरियाणा का अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हम सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, हम सुनते हैं प्रत्यक्ष जाके कि अंतिम व्यक्ति भी आज ये कह रहा है कि हमारा बहुत ध्यान दवाइयों की व्यवस्था है, चाहे भोजन की व्यवस्था है, बस्तियों के अंदर प्रशासन डॉक्टर सबकी मैं बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करता। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, और जो ये COVID-19 का महामारी चल रही है, जिस जो ये आराधना मंदिर जो ये सेवा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भोजन पहुंच रहा है जहां तक कुछ भी पहुंचना असंभव था, तो ये मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जब तक ये महामारी से हम उभर के नहीं आते तब तक ये सेवा ऐसी चलती रहे जिससे उन लोगों का भला हो सके। जैन मंदिर से और गुरु जी का बड़ा ही धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कल से हमारे गांव झंझाड़ी में भी पका हुआ भोजन वितरण करने का जो संकल्प किया भी वहाँ पे ये देंगे, तो इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही बहुत सी संस्थाएं भी जैसे हर एक वार्ड में करनाल में ऐसे राशन, कोई पका हुआ राशन या कच्चा राशन वितरण कर रहे हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे ही कल मेरे को पता लगा कि जैन मंदिर से कल से मतलब झंझाड़ी गाँव को लिया गया है, अपने उन्होंने उसमें पैनल में ऐड किया कि यहाँ राशन वितरण करने में, तो मैं महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ भी पहुँचा हूँ। उसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा जो ऐसे दुख की घड़ी में और जो समाज की सेवा करके और इतना बड़ा जो योगदान दे रहे हैं समाज की भलाई के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही संस्थाओं से गुरु जी के आशीर्वाद से ही आज की जो ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और इसने अपना पूरा प्रचंड रूप ले रखा है, सिर्फ
ऐसी महान आत्माओं की वजह से ही जो ये है अपना देश इतना बचा हुआ है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी आप एक नंबर वार्ड के पार्षद हैं, करोनों की आज हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ, बड़ा ये हमारा सौभाग्य है। देखिए एक तो ये जैन मंदिर वाले करीब एक महीने से हमारे यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा के साथ साथ ये हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और इन लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही हम इस महामारी से बड़ी सक्सेसफुल उससे हम लड़ रहे हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी समाज को मार्गदर्शन दे और समाज के लिए हमारे को भी आशीर्वाद दे, ताकि हम इससे बड़ा अच्छी तरह से निपटें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे इंद्री के तहसीलदार श्री दर्पण कम्बोज जी से, लेकिन इससे पहले बताना मेरा दायित्व बनता है कि इनके प्रशासन के सहयोग के कारण ही निर्विघ्न रूप से और इतने अच्छे सुचारू रूप से ये भोजन वितरण चल रहा है। वहां पर हमने कुछ ऐसे गांव भी, कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनके पास ना बीपीएल कार्ड था ना किसी और तरह का राशन कार्ड था, तो माननीय तहसीलदार साहब ने हमें उसमें भी सहयोग किया, उनकी भी लिस्ट मंगाई और उनको भी भोजन प्रशासन की ओर से ऑलरेडी दिया जा चुका है। मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं निवेदन करूंगा श्री दर्पण कम्बोज जी से कि वह भी अपना एक्सपीरियंस जो आपको कैसा लगा कि जैन आराधना मंदिर के वितरण की, क्योंकि आपके पास भी फीडबैक रिपोर्ट आती होगी उस गांव से, जो हमारा डाटा है उसके हिसाब से इंद्री क्षेत्र का सबसे ही गरीब गांव है वो डेरा हलवाना, जहां पे घुमंतू जाति के लोग रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्री दर्पण कम्बोज जी से कि वह कृपा करके अपना जो है वो साझा करें अपने विचार। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आकाश भट्ट जी को और समस्त जितने भी अतिथिगण हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मेरे अलावा, कि उन्होंने जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, ये एक तो भोजन होता है, भोजन नहीं मैं इसको प्रसाद कहूँगा, क्योंकि मंदिर प्रांगण में जो बन रहा है वो प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया जाता है, और खाने से ज़्यादा प्रसाद इफेक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर कोई बीमारी है भी किसी को तो वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाता है, कारण होता है उसके अंदर खाने के साथ साथ प्यार मिला होता है, और जो प्यार और आशीर्वाद सभी जन जितने भी पधारे हैं यहाँ पर, ये एकत्रित होके और अपनी स्वेच्छा से दान करके जो जा रही है सामग्री और जो जरूरतमंदों को जा रही है, मेन बात ये है जो जरूरतमंद है उन्हीं के पास जा रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस महामारी बीमारी में हम सभी इकट्ठे होके ही इससे लड़ सकते हैं। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कई बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, कई खाना पहुंचा रहे हैं, कई कच्चा राशन दे रहे हैं, तो सभी अपने अपने स्तर पे अपना अपना कार्य करने की सभी कोशिश कर रहे हैं, और उसी का फलस्वरूप है कि हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल में भी कहा है जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज करनाल हरियाणा में सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और जो इस महामारी में जितने भी केसेस आए थे, तकरीबन 6 केस आए थे हमारे पास, 7वां जो केस था वो पानीपत में ही था, तो सारे के सारे कोरोना जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं। इस समय करनाल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, उसका कारण सिर्फ एक है कि हम सब इकट्ठे होके अपने अपने तरीके से इस महामारी बीमारी के अगेंस्ट इकट्ठे होके खड़े हैं, और सभी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जब इकट्ठे होके फाइट करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे हम उभर ना सके। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे प्रांगण में मेरे को इनवाइट करने के लिए, इस नोबल कॉज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.